आज सुबह मैं अपने उन खेतों में गेहूं की बुवाई करवाने आया हूं जिन खेतों में मैंने 20 दिन पहले परिवट की थी। गेहूं भी नवंबर और दिसंबर और जनवरी के महीने में बोए जाते हैं, लेकिन इसमें भी अंतर होता है। जो गेहूं नवंबर महीने में बोए जाते हैं उन्हें अंगाई फसल बोलते हैं और जो गेहूं दिसंबर और जनवरी के महीने में बोए जाते हैं उसे पिचाई फसल बोलते हैं। और यह है गेहूं बोनी मशीन, जिसमें एक हिस्सा डीएपी का होता है और एक गेहूं का। पहले ये तकनीकी नहीं थी और गेहूं हाथ से फेंककर बोए जाते थे, जिसे हम पवेर में बुवाई कहते थे, जिसके कारण कहीं भी ज्यादा फिर जाता था कहीं कम। लेकिन अब मशीन से गेहूं एक सीमित मात्रा में बोए जाते हैं। करीबन एक बीघा खेत में 40 किलोग्राम गेहूं का बीज लिया जाता है और डीएपी 30 किलोग्राम। लेकिन डीएपी आप कम भर्ती भी कर सकते हैं। जब मशीन में डीएपी और गेहूं डाल दिए जाते हैं तो गेहूं की बुवाई शुरू हो जाती है। इस खेत में गेहूं बोने के बाद शाम को हम 3 बजे दूसरे खेत पर गेहूं बोने जाते हैं। लेकिन इस मशीन में गेहूं और डीएपी का खाना एक ही होता है, इससे ज्यादा फर्क तो नहीं पड़ता, लेकिन गेहूं का बीज ज्यादा लेना पड़ता है। गेहूं की फसल को करीबन 4 से 5 महीना पकने में लग जाता है और चिलचिलाती गर्मियों में इस फसल की कटाई शुरू हो जाती है। इस फसल में 4 पानी लगते हैं और गेहूं की फसल रबी की फसलों में से एक मुख्य फसल होती है। इसी के साथ आज का मेरा मिनी ब्लॉग यहीं समाप्त होता है। राम राम।